Happy birthday. ओके सो ये व्हाट्सअप गाइज, कैसे आप सब? आई होप बढ़िया होगे। तो अगर फ्रेंड्स कुछ इस तरह के हैप्पी न्यू ईयर वाला स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, बिल्कुल भी इसकी मत करना। ओके तो गाइज आपके लिए भी बना सकते हो या फिर अपना फ्रेंड दोस्त के लिए भी बना सकते हो। तो गाइज वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, बिल्कुल भी इसकी मत करना। ओके तो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सामने वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल कर दीजिए चाहिए ना और भी वीडियो देखने के लिए। और हाँ गाइज मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप लोग फॉलो कर लेना। और अगर टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप लोग ज्वाइन कर लेना। ओके सो गाइज यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है नॉइज। तो प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, लेकिन गाइज अगर आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो 8 मार्क देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग प्रो वर्सन लेना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, लिंक है। तो ही पर से आप लोग मतलब डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर गाइस आप लोगों को डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया जो कैसे करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो उस वीडियो को देखने के बाद गाइस आप लोग काफ़ी इजीली डाउनलोड कर पाओगे। तो गाइस यहाँ पर मैं उस ऐप को ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। देन गाइस ऊपर में जो सर्च बार है यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। देन यहाँ पर आप लोग सिंपल गाइस हैप्पी बर्थडे सर्च कर दीजिए। ओके तो यहाँ पर काफ़ी सारा हैप्पी बर्थडे का टेम्पलेट देखने को मिलेगा जो यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा। यहाँ पर नीचे देख सकते हो ए वाला, तो यहाँ पर गाइस मैं ए वाला सिलेक्ट करूँगा। तो सिलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पर मतलब क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर डेमो दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर मैं स्टॉप कर लिया। तो यहाँ पर गाइस आप लोग एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना जिसका बर्थडे है। तो अगर आपका बर्थडे है तो यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो अपना फ़ोटो। अगर किसी फ्रेंड दोस्त का बर्थडे है तो यहाँ पर गाइस यहाँ पर जो प्लस का आइकन यहाँ पर क्लिक कीजिए। देन उसका एक फ़ोटो इनपुट कर लेना, ऐड कर लेना। तो यहाँ पर मैं एक फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो सेलेक्ट कर दिया। आप गाइस यहाँ पर मेक पे क्लिक कीजिए, आपका जो वीडियो है वो ग्लारी में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं मेक पे क्लिक कर दिया। देन यहाँ पर देख सकते हो सेव हो रहा है।